अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो बहुत सारे लोगों को मतलब कन्फ्यूजन था सिलेबस रिडक्शन के बारे में। सिलेबस तो रिड्यूस हो ही चुका है, लेकिन कन्फ्यूजन ये था कितना रिड्यूस हुआ है, कितना पढ़ना है, न्यू से पढ़ना है कि ओल्ड से पढ़ना है। और बहुत सारे लोग तो बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो उनको कम पढ़ना पड़ेगा। भाई देखो, सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा नुकसान हो गया है। फिजिक्स में लगभग तुम्हारे मान के चलो 10 क्वेश्चन का तुम्हारा नुकसान हो गया फिजिक्स में, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हटाए गए जिनसे 10 क्वेश्चन आते ही थे, एकदम ईजी स्कोरिंग चैप्टर्स थे, ईजी स्कोरिंग टॉपिक्स थे जिनको तुम पढ़ते ही पढ़ते थे और क्वेश्चन उससे आते ही आते थे। केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे गायब हो चुके हैं बस सिलेबस रिडक्शन के चक्कर में, जो कि एकदम ईजी चैप्टर्स थे और आना ही आना था। ठीक है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे साथ स्कैम हो चुका है, रिड्यूस सिलेबस का स्कैम हो चुका है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे तुम्हें खुश होने की ज़रूरत हो, तुम्हारा नुकसान ही होगा। अगर वो अगर कम भी करेंगे, सिलेबस अगर कम करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी तो बढ़ाएंगे वो, ये भी तो देखो। ठीक है, इसी पे बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो रिड्यूस सिलेबस हो गया, स्कैम हो चुका है तुम्हारे लिए, पहले तुमको अवेयर कर दे रहा हूँ मैं। देखो, सबसे पहले बात आ रही है फिजिक्स में। फिजिक्स में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सारा पढ़ना है क्या, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स में सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड, ये तो पहले से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली हट चुका है, इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हटा है। ठीक है, मतलब जो PDF आई है उसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नहीं लिखा है, लेकिन इसको करना है। क्यों करना है? क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं लिखा था और इस ईयर भी नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं प्रिसीजन से। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को करना ही करना है। ठीक, तीसरा काइनेटिक्स। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक्स में इन्होंने ब्लंडर क्या किया है, काइनेटिक्स में इन्होंने बोला है कि बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हटा दो। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर इसको तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम कैसे फोर्स निकालोगे, डिफरेंशिएशन करके वर्क कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके वर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क कैसे निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, इंपल्स कैसे निकालोगे, इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। अभी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आनी ही आनी है, तो अगर इसको छोड़ दोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी छूट जाएंगी। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना ही करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना किसको है, फिजिकल वर्ल्ड को। ठीक, लाज मोशन में लुब्रिकेशन, ये ना तुम्हें कभी पढ़ाया गया था ना तुम अभी भी पढ़ते हो, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था लुब्रिकेशन से मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, तो उतना सबको मालूम होता है, लुब्रिकेट कर दोगे तो फ्रिक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये पढ़ो या ना पढ़ो कोई ज़रूरत नहीं है। वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का नोशन हटा दिया, लेकिन ये बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का नोशन अगर नहीं पढ़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कैसे जानोगे, हर एक चीज़ में तो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगा तुम्हारा, उधर भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में भी, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक जो बेसिक कंसेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, उसको तुम्हें आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम नहीं छोड़ सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, नहीं वर्क पावर एनर्जी में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक, अब देखो वर्क पावर एनर्जी में कुछ नहीं छोड़ना है, अभी तक फिजिकल वर्ल्ड में बस कंप्लीट छोड़ना था, बाकी किसी में कुछ नहीं छोड़ना है। रोटेशनल मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, मोशन एंड सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। ठीक, तो मुझे ये बताओ अगर ये सारी चीज़ें हट गई हैं, अगर ये हट गई हैं तो रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, ये देखो अगर ये चीज़ें हट गई, यूनिफॉर्म रोड हट गया, ठीक है, तो ये बताओ मुझे अगर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर हट गया तो क्या तुम नहीं पढ़ोगे इसको? तुम्हें इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम तुम न्यूटन सेकेंड लॉ में भी पढ़ते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर तुम सेंटर ऑफ मास नहीं जानोगे, अगर ये मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं जानोगे तो कोलिजन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, तो यहाँ भी तुम्हारा नुकसान हुआ। तीसरी चीज़, उसने दिया हुआ है अपने सिलेबस में सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी तभी जानोगे जब सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड वगैरह निकालना सब कुछ जानते रहोगे तभी। ठीक है, और रोलिंग मोशन भी लगभग हटाई दिया गया, लेकिन रोलिंग मोशन से एक क्वेश्चन सोच लो कि आएगा ही आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, NLM में पूछा जाता है रोलिंग मोशन, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो रोलिंग मोशन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि रोटेशनल मोशन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक, ग्रेविटेशन में हमारे पास आता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, तो तुम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को छोड़ सकते हो क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है,
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पॉइसन्स रेशियो, इलास्टिक एनर्जी। पॉइसन्स रेशियो छोड़ सकते हो, इलास्टिक एनर्जी मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि इलास्टिक एनर्जी से ही बाकी सारे क्वेश्चंस वगैरह, तुम्हारी स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड में हर बार की तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस बार भी नहीं दिया है, लेकिन हमें भी मालूम है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, बिना उसके आगे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल करना ही करना है, ठीक। हीट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ, कूलिंग स्टीफन्स लॉ, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। ये मुश्किल से 2 आवर का टॉपिक है, इसको पढ़ के ही जाना, बिना पढ़े मत जाना इसको, ठीक है? भले ही हट गया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ पढ़ के जाना, क्योंकि ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी है, केमिस्ट्री में भी है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारा बायोलॉजी में भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको बिना पढ़े मत जाना, ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक फार्मूला है, एक ग्राफ है, ठीक है? इसको भी करके ही जाना, छोड़ना नहीं, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हटा है, लेकिन उन्होंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल के बारे में दिया है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जहाँ पे आएगा वहाँ पे हीट इंजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है? तो रेफ्रिजरेटर छोड़ सकते हो, कार्नट इंजन और हीट इंजन मत छोड़ना, ठीक। SHM में फ्री फोर्स डैम्प ऑसिलेशन छोड़ सकते हो। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट को हटाया गया है, लेकिन अगर डॉपलर इफेक्ट तुमको नहीं पता रहेगा तो तुम बीड्स के क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन, सोनोमीटर वगैरह क्वेश्चन तुम नहीं लगा पाओगे, ठीक। मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी तक क्या करना था दोनों एक ही बार बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टेट में 1D ग्राफ जनरेटर हटा दिया गया है, ठीक है, और एनर्जी और स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी हटाया गया है, लेकिन तुम क्या करना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को नहीं छोड़ोगे तुम, ठीक है? तुम बस 1D ग्राफ जनरेटर को छोड़ सकते हो, बाकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तुमको पढ़ना है, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर, ये दोनों हटाया गया है, लेकिन मैं कहूँगा दोनों को पढ़ के जाना, ठीक है? क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर जो है तुम्हारा, वो इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो लगभग चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कलर कोडिंग तुम्हारा 5 मिनट का टॉपिक है, बीबी रॉ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड 5, ये 5 मिनट का टॉपिक है, इसको पढ़ सकते हो, इसको भी पढ़ सकते हो, 20 मिनट का टॉपिक ये, फार्मूला वगैरह देख लेना, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हटाया गया है, बताओ इसमें क्या नहीं होता है? हर एक चीज़ में तो यही होता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो वो तो हर जगह तुमको पढ़नी है, तो क्या हटा है इसमें? कुछ नहीं हटा है। अर्थ मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट हटा है, तो मुझे ये बताओ अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो तुम बार मैग्नेट कैसे पढ़ोगे? बार मैग्नेट पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ना, तो तुम कैसे निकालोगे यहाँ से अगर तुम नहीं पढ़े रहोगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं पढ़े रहोगे तो पैरा डाया फेरो कैसे बताओगे? केमिस्ट्री में भी है ये, तो कुछ छोड़ना नहीं है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। AC में LC ऑसिलेशन हटा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा बस फॉर्मूले पढ़ लेना, फॉर्मूले LC ऑसिलेशन के क्या होते हैं, बाकी कुछ पढ़ना ना पढ़ना फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक। रे ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडी सेफरेंस ऑफ सनराइज सनसेट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हट गया है, लेकिन एक चीज़ हमेशा देखना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडी से थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको पढ़ लेना, हटा हुआ है लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि 2020 में भी इससे क्वेश्चन आ गया था, हटा हुआ तब भी था लेकिन आ गया था, ठीक है? तो एक बार पढ़ लेना, मुश्किल से तुमको 20 मिनट लगेगा पढ़ने में, ठीक। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन, आई डिफेक्ट, ये तीनों मत पढ़ना, ठीक। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं हटा, इतना ध्यान रखना, रिजॉल्विंग पावर हटा, ये दोनों बे ऑप्टिक्स में दिया हुआ है कि हमें रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़नी है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हमको डिटेल में, इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इमेज कब रियल इन्वर्टेड बनता है, कब आई कौन सा, मतलब फोकल लेंथ किसका ज़्यादा होता है, आई पीस ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेंगी, सारे फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर से तुमको डेविएशन गर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि हट चुका है। न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, आइसोटोन आइसोटोप आइसोबार, ये सारी चीज़ें हटे हैं, बट इसके बिना तुम केमिस्ट्री में ना बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ पाओगे, ना स्टेबिलिटी अब कर पढ़ पाओगे, ना फ्यूजन फ्यूजन कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ दिया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहाँ भी तुमको पढ़ना ही है, तो यहीं पढ़ लो अच्छे से। आइसोटोन आइसोटोप आइसोबार हर जगह दिया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ, हर जगह दिया हुआ, तो यहाँ पे पढ़ लो या वहाँ पे पढ़ लो, दोनों सेम चीज़ है, तो मैं कहूँगा इसको पढ़ के जाना। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर पूरी तरह से हट चुका है, किसी भी तरह से एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर स्विच हर तरह से हट चुका है, लेकिन एनर्जी बैंड भी हटा है, लेकिन मैं कहूँगा एनर्जी बैंड तो कुछ होता है, सबको मालूम होता है कि ऐसे बैंड होता है, ये जंप करता है तो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बनता है, ठीक है, उसके एक बार थोड़ा सा इंट्रो ले लेना, लेकिन कॉमन एमीटर जो होता है उसको पढ़ के जाना, ठीक है। कॉमन एमीटर के जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ लेना, एज ए स्विच एम्पलीफायर ऑसिलेटर ये मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉमन एमिटर के फॉर्मूले पढ़ के ही जाना, ठीक है। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बता देता हूँ कम्प्लीटली रिड्यूस क्या क्या हुए हैं। कम्प्लीटली रिड्यूस हुए हैं फिजिकल वर्ल्ड
और कम्युनिकेशन डिवाइस। टॉपिक कौन कौन सा था? लुब्रिकेशन, डेविशन गर्मर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ इमेज, डिफेक्ट इमेज और फॉर्मेशन, डिफेक्ट मतलब आई में और इमेज का फॉर्मेशन, 1D ग्रैब जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशन, पॉइसन रेशियो, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। ठीक है, इनको छोड़ के कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम छोड़ के जाओगे। ठीक है, बस इन्हीं को छोड़ के जाना, इतना याद रखना। सारे जो भी मैंने ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसका निचोड़ यही है कि बस इनको छोड़ना है, इन टॉपिक्स को छोड़ना है, बाकी कोई भी टॉपिक तुम छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर मैंने बता ही दिया तुमको, ट्रांजिस्टर में बस कॉमन एमिटर करके जाना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये लिख लेना कहीं पे, इतना ही छोड़ना है, बाकी कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ के ही जानी है। ठीक है, चलो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री में देखो क्या क्या हटा हुआ है, तो बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में तीन चीज़ें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल से सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ये तीनों चीज़ें हटाई गई हैं। इनऑर्गेनिक से एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटलर्जी हटाई गई है। ऑर्गेनिक से पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हटाई गई है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल में सॉलिड स्टेट कम्प्लीटली हटा देना। ठीक, नुकसान तो तुम्हारा हो ही गया, देखो आसानी चीज़ थे, 8 से 9 क्वेश्चन तो आने ही थे। सरफेस केमिस्ट्री में तुम देखोगे हटाया तो गया है, लेकिन वहाँ पे कोलाइड्स के बारे में लिखा हुआ है, लास्ट में जब पीडीएफ जो है वहाँ पे कोलाइड्स के बारे में लिखा हुआ है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो मैं ये कहूँगा सरफेस केमिस्ट्री में तुम सारा कुछ तो छोड़ देना, लेकिन कोलाइड्स, लायोफिलिक, लायोफोबिक ये पढ़ लेना, और एक बार एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देख लेना। ठीक है, बस फॉर्मूले देख लेना एक बार। स्टेट ऑफ मैटर तुम यहाँ पढ़ो, या काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ो। ठीक है, तुमको हर जगह पढ़नी है दोनों, ये फिजिक्स में पढ़ाई जाती है और ये केमिस्ट्री में। तो मैं कहूँगा इसको अच्छे से करके जाना, बॉयल्स ला, जितने भी लाज वगैरह हैं सब इसी में, बिना इसके थर्मोडायनेमिक्स अधूरी है। ठीक है ना, तो स्टेट ऑफ मैटर करके जाना है, इसमें एस ब्लॉक तुम कम्प्लीटली छोड़ सकते हो, हाइड्रोजन में सब कुछ छोड़ देना, H2O2 मत छोड़ना, H2O2 डिटेल में पढ़ लेना, मेटलर्जी में सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, लेकिन जो चार्ट बना हुआ है ना सबसे पहले पेज पे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के जो ओर वगैरह लिखे हुए हैं उसको पढ़ के जाना। ठीक है, बस एक चार्ट पढ़ के जाना, बाकी कुछ नहीं। ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन दोनों को पढ़ के जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ें तुमसे पूछी जा सकती हैं, और हर जगह ये चीज़ें तुम्हारे वहाँ पर भी मिल जाएंगी, बायोलॉजी के लास्ट वाले भी चैप्टर्स में भी मिल जाएंगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कुछ रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ऐड क्या क्या हुआ है, टाइट्रेशन ऐड हुआ है, साल्ट एनालिसिस ऐड हुआ है, और पी ब्लॉक में जो लिखा है ना ग्रुप 13 से 18 तक, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के चक्कर में मत कुछ मत रहना, 20 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे, 20 से 25 नंबर पी ब्लॉक सारा पढ़ना है, 13 से लेके 18 तक एक एक चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, और तुम देखना क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तुम ये मत सोचना कि नहीं पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक, तो कम्प्लीटली डिलीट क्या हुआ है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, एस ब्लॉक, यानी कि इन तीनों चैप्टर्स को कम्प्लीटली छोड़ सकते हो। ठीक है, बट जो टॉपिक्स हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री मैंने बताया कि कोलाइड्स, लायोफिलिक, लायोफोबिक पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी, वैसे दोनों सेम चीज़ हैं, तो इसको पढ़ना है पूरा, तो ये नहीं हटा हुआ है। ठीक, एस ब्लॉक पूरा खत्म कर दो, हाइड्रोजन में H2O2 पढ़ना है, मेटलर्जी सारा खत्म कर दो, लेकिन चार्ट पहला जो बना हुआ है वो पढ़ लेना। ठीक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो लिखा हुआ है, पॉलीमर्स तुम्हें खत्म करना है, लेकिन ये दोनों इन्वायरमेंटल और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ ये कर लेना। ठीक है, मुश्किल से यार एक एक घंटे का काम है, इजिली कर लोगे, क्लियर होगे, तुम्हें डर नहीं रहेगा। ठीक है, आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखो, अगर देखा जाए 11 से, तो अगर पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि टोटल कौन से चैप्टर हट गए हैं, तो बायोलॉजी में यही सारे चैप्टर हटे हुए हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हट गया है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजी और इन्वायरमेंटल इशू, ये 6 चैप्टर कम्प्लीटली हट गए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी तुम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ोगे, ठीक है, तो तुमको जाइलम और फ्लोएम पढ़ना ही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दी हुई हैं, तो वहाँ से लिंक करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो तुम्हें जाइलम और फ्लोएम जो है वो तुम्हें यहाँ से भी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी पढ़नी है। ठीक, समझ गया ना। मिनरल न्यूट्रिशन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, जितने भी मतलब मिनरल्स वगैरह उसका यूज़ आता है हर जगह पे, तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मिनरल न्यूट्रिशन भी पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, तुम्हें छोड़ना कौन कौन से चैप्टर हैं, कम्प्लीटली डिलीट में कौन कौन से आ जाएंगे, ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन छोड़ दो, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म छोड़ दो, स्ट्रेटजी वाला छोड़ दो,
बाकी इन्वायरमेंटल इशू बचता है इसको भी एक बार देख लेना, इन्वायरमेंटल इशूज और केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये लगभग दोनों सेम ही तरह के चैप्टर्स होते हैं, तो एक बार देख लेना ठीक है। ईयर, आई, नोज, ये चीज़ें नहीं पढ़नी, हट गए हैं। सेंसरी ऑर्गन, फ्रॉग ऐड हुआ है, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, तो फ्रॉग तो पढ़ना ही पढ़ना है, न्यू सिलेबस में भी है। कॉकरोच जो उसने इंसेक्ट लिखा हुआ है, मे भी हो सकता है कि वो इसी के बारे में पूछ ले, ठीक है। एक बार कॉकरोच को अच्छे से देख लेना, पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, एक बार देख लेना। और जो अर्थवर्म है उसकी एक बार ओवरव्यू ले लेना कि क्या क्या होता है, ठीक है, बस एक ओवरव्यू लेना। डेंगू और चिकनगुनिया तुमको एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसको तुम्हें पढ़ना है, ये कहाँ तुमको मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ सकते हो, ठीक है, सर लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिकल ऐड हटा है, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ के जाना है। प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया नहीं है, लेकिन वो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तुमको पढ़ के ही जाना है, इसको छोड़ के मत जाना। मॉर्फोलॉजी में ये तीन टॉपिक मतलब ऐड हुए हैं, मालवेसी, क्रूसीफेरी, ग्रामीणी, इसको पढ़ लेना, इसकी सर लोग पढ़ाएंगे, यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाएंगे, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है, छोड़ना मत। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जो हटा है उसको तुम छोड़ सकते हो, सेकेंडरी ग्रोथ को मत पढ़ना, ठीक। इकोसिस्टम में सक्सेशन हटा है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्लांट ग्रोथ और हार्मोन्स में वर्नलाइजेशन हटा है, लेकिन मैं कहूँगा एक बार पढ़ लेना, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो बायोलॉजी में मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे क्या करना है, बस तुमको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है। तो बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट नहीं पढ़ना है, और ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, बस ये तीन चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से जाइलम और फ्लोएम पढ़ लेना, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा पूरा तुमको फोटोसिंथेसिस के लिए, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये दोनों नहीं पढ़ना, इन्वायरमेंटल इशू में तुमको पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए, ठीक। फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म, डेंगू, चिकनगुनिया ऐड हुए हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक। ईयर, आई, नोज को छोड़ देना। लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक ऐड पढ़ लेना, अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ लेना, प्लांट किंगडम में मॉर्फोलॉजी में ये तीनों ऐड हुआ है पढ़ लेना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये सेकेंडरी ग्रोथ हटा देना, ये मत पढ़ना, ठीक। इकोसिस्टम में सक्सेशन एक बार देख लेना, ओवरनाइजेशन एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो स्कैम तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ईजी स्कोरिंग जो टॉपिक्स थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिमूव हो गए, तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन का लॉस हो चुका है, लगभग तुम्हारे 80 से 100 नंबर के तुम्हारे लॉस हो चुके हैं ऑलरेडी। ईजी स्कोरिंग थे, हर बच्चा उसमें स्कोर कर लेता है, ठीक। न्यू एनसीईआरटी नहीं बाई करना है, ओल्ड इज गोल्ड, मैं पहले से सोच रहा था ये बोलने के लिए, न्यू एनसीईआरटी तुम्हें बाई ही नहीं करना है, तुम्हें वही जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसी को बाई करना है। जो चैप्टर्स कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं उसको कट कर देना, ठीक है। और जो टॉपिक्स, तीन चार टॉपिक जो मैंने बताया, जैसे वो हो गया तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, ईयर नोज हो गया, उन सबको कट कर देना, ठीक है। मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने बता दी तुम्हें, इन इसी के बेसिस पे 6 मंथ की जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगी, लगभग 25 अक्टूबर को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये कुछ वीडियोज हैं मेरे, जिसको भी डाउट हो रहे होंगे, केमिस्ट्री में 180 out of 180, ये मैंने कैसे 165 तक पहुँचाया वो, और ये बायोलॉजी, जिसने भी इन तीनों वीडियोज़ को फॉलो कर लिया उसके नंबर, यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, नंबर तो आने आने हैं, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेटजी है, मैं बार बार स्ट्रेटजी को चेंज वगैरह नहीं करता हूँ, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को फॉलो करो, वन बुक वन टीचर वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक बार देखना, इसको फॉलो करना, मेरे बताए हुए तरीके से किसी भी चैप्टर का तुम टेस्ट देने जाना अपने कोचिंग में कहीं भी, अगर तुम्हारे 200 नंबर ना बढ़ गए तो मुझसे कहना, ठीक है। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं वो बना दिया हूँ, और ये 75 टॉपिक से मैंने जो बताए थे 38 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर फिजिक्स में, इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने जो बताया था वही सारी चीज़ें आई थी। इस बार भी बताऊंगा 100 टॉपिक्स, उसमें से ही 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये कैसे कंप्लीट रोड मैप मैंने बताया था 6 महीने का, तो अभी नए वीडियो आएगी 25 तारीख को, वाली देख लीजिएगा, ठीक। ये एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने बताया था, और यहाँ पर रीनीट हुआ था वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। मेडिको होली के अभी चैनल है, मैं जानती हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी नीड होती है इन सब चीज़ों की, अच्छी चीज़ें नहीं पहुंच पाती तो उनको भी दिक्कत होती है ड्रॉप लेने में, यार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और एक चीज़, हाँ, तुम लोग वीडियो देखते हो यार,
लाइक कर दिया करो ना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और 2 सेकंड लगता है कमेंट करने में, कमेंट भी कर सकते हो अगर चाहो तो, कमेंट करना चाहिए तुम लोगों को, कोई भी दिक्कत हो तो। तुम लोग कुछ पूछ तो नहीं हो, सब कुछ मुझे अपने मन से ही करना पड़ता है। तुम लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना क्या तुम्हें ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।